आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के पास पक्के के मकान। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजर बसर किया करते थे, और अगर रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। मगर उसी सुकून के बीच एक डर भी था, जमींदार साहब के बगान का डर। क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस बगान में रात के वक्त आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। जमींदार साहब भी काफी समय पहले अपने घर को छोड़कर गांव से चले गए, लेकिन जमींदार साहब इस गांव को छोड़कर क्यों गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। असल में रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जमींदार साहब और उनके परिवार वालों का ना तो उनके घर में कोई पता चला और ना ही पूरे गांव में, जिस कारण काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जमींदार साहब और उनके परिवार वालों को उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन ये बात भी सच है कि जमींदार साहब के घर बनाने से काफ़ी सालों पहले वो बगान एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। और तो और, मैं या कोई भी जब उस बगान के अगल बगल से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिस कारण गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त उस बगान की तरफ नहीं जाता है। हालांकि मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं उठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। तो उसे इस तरह से भागता देख मैंने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तू भाग क्यों रहा है? इस पर मोहन ने कहा, राजू तुझे पता नहीं है क्या, हरिया काका मर चुके हैं और उनकी डेथ बॉडी उसी भूतिया बगान के पास मिली है। मोहन की ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी मोहन ने दोबारा कहा, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी आत्माओं का ही काम है। हालांकि मैं और मोहन, हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, मोहन आज रात हम दोनों उस बगान में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर मोहन ने कहा, हाँ ठीक है आज हम लोग जाकर देखते हैं। जिसके बाद हमने तय किया कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 10 बजे उस बगान के पास मिलेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम भागकर हरिया काका की डेथ बॉडी को देखने गए। अब हमें इंतज़ार था तो बस रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस बगान में है तो है क्या। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। दोपहर का खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी से ही सारा गांव सन्नाटे में डूबने लगा था। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे इंतज़ार था तो बस घर वालों के सोने का, ताकि घर वालों के सोने के बाद मैं उस बगान की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 10 बजे से आधा घंटा पहले यानी कि रात के 9:30 बजे ही मेरे सभी घर वाले सो गए, लेकिन मुझे 10 बजे जाना था तो मैंने आधा घंटा और इंतज़ार किया। जिसके बाद रात के 10 बजे एक टॉर्च लेकर सबसे छुपाते छुपाते धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा कि सारा गांव एकदम से वीरान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा
इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर जानवर भी गांव में हो रहे अजीब अजीब घटनाओं से काफी डर रहे हों। खैर, मोहन ने मुझे बगान में आने को कहा था तो मैंने अपना टॉर्च जलाया और दबे पांव बगान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से बगान यही कोई 5 मिनट की दूरी पर था। तुरंत ही बगान पहुंच जाऊंगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस बगान के करीब पहुंचा तो ना जाने क्यों उस बगान के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मगर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलकर बगान के अंदर दाखिल हुआ तो बगान के अंदर का माहौल इतना वीरान था कि मानो ये बगान इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बगान के अंदर आकर मैं इधर उधर मोहन को देखने लगा, लेकिन मोहन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मगर मोहन ने तो कहा था कि वो ठीक 10 बजे मुझे बगान में ही मिलेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बगान के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई तो पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था। मगर घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए इस बगान के पेड़ के ऊपर कौन होगा, ये सोचकर मैं काफी सहम गया। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन बैठा हुआ था। लेकिन मोहन पेड़ के ऊपर कर तो कर क्या रहा है, उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे। खैर, मैं चलकर पेड़ के पास गया और आवाज लगाकर मोहन से कहा, मोहन तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही मोहन ने मेरी ओर देखा और झटपट पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ के ऊपर से गिरने का कोई डर ही ना हो। देखते ही देखते मोहन पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, चल चल थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और मोहन हम दोनों चलकर बगान के अंदर जाने लगे। मगर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मोहन का बर्ताव अब मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मोहन अचानक एक पेड़ के पास खड़ा हो गया तो उसे अचानक इस तरह खड़ा होता देख मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन क्या हुआ तुझे, खड़ा क्यों हो गया। मगर इस पर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं मोहन के करीब पहुंचा तो मोहन एकदम से मेरी ओर पलटा तो मोहन के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि अब मोहन की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मोहन नहीं बल्कि भूत है जो मोहन का रूप लेकर मुझे मारने आया है और अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला मोहन आ गया और उसने आते ही उस भूत के ऊपर भभूत छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। इस पर असली वाले मोहन ने कहा, मुझे पता था
कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ भभूत ले आया। जिसके बाद हम भागकर घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।